सर कह रहे हैं, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही कोई गोली नहीं चला देता। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि योगी आदित्यनाथ ने मिशन क्लीन नाम का एक मिशन शुरू किया है, उसमें रेप के मामलों में 37% गिरावट आई है दो सालों में, 2017 गिरावट नहीं आई, बढ़ोतरी हुई है। गिरावट आई है। शिवम के आगे को जवाब देने का जवाब दे देता हूँ। जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। एक सेकंड, एक ही बात शिवम त्यागी ने बोला, अतुल भाई अतुल आपको मौका मिलेगा, गलत मौका मिलेगा, पर आप एक सवाल इंटरप्ट नहीं कर सकते। सवाल इंटरप्ट कीजिए आप तो सर, आप सहिष्णुता गैंग के है ना, सहिष्णुता मंडली के है ना सर। सर आप फिर आप सुनिए, देखिए जलवीर जी भी हंस रहे, आपका साथ छोड़ दिया, कौन सी मंडली के मैं उतर गया आती। चलिए मुझे शिवम से एक सवाल पहले भी समय दिया आपके सामने, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप शिवम का जवाब अतुल सक्सेना देंगे। शिवम, 37% गिरावट आई रेप के मामलों में, मर्डर और ओवरऑल जो क्राइम्स है उत्तर प्रदेश में, इसमें गिरावट आई है 35%। अब ये कहा जाता था, मेरे द्वारा नहीं, बहन मायावती के द्वारा, मैं आगे सुनाऊंगा कि गुंडों की पार्टी किसकी है, आप जानते हो मुझसे ज्यादा बेहतर। नारे तो हैं। क्या आज गुंडों पे कार्रवाई हो रही है, इसलिए उनके संरक्षण में आज यूपी पुलिस पर भी निशाना साधने से नहीं चुक रहे अखिलेश यादव और मायावती? क्या ये हकीकत है जैसे डीजीपी बता रहे हैं? शरद भाई आज से नहीं है ये, आज तो कोई पहला मामला नहीं है। 2012 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी की सरकार थी, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने खड़ा होकर एडमिट किया था कि हाँ मेरी सरकार में 1000 पुलिस वालों को पीटा गया है। विधानसभा की कार्यवाही का वीडियो उठाकर देख लेंगे तो शायद पता चल जाएगा एक चीज। दूसरा, जिस तरह से सेलेक्टिवली ये मुद्दे उठाते हैं, मैं कहता हूं लोहिया जी की विचारधारा को छोड़कर आप यादव एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड नाम रख लीजिए अपनी पार्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यादवों के लिए अगर आवाज उठानी आपको, आप रामवृक्ष के साथ खड़े होंगे, आप पुष्पेंद्र के साथ खड़े होंगे, नत्थालाल हलवाई जब मथुरा में ही होगा, आप मुर्शिदाबाद की बात करते हैं वहां तो ये कभी जाएंगे ही नहीं। अरे लेकिन कम से कम जिस प्रदेश में राजनीति करते हो उस प्रदेश की जनता को नजर से देखिए। और दूसरी चीज, आपने क्या कहा पुलिस को लेकर समाजवादी पार्टी का हाल रहा है, सबने देखा है। पुलिस को भर दिया था शलभमणि त्रिपाठी, शलभमणि त्रिपाठी एक बताइए बस्ती में समाजवादी पार्टी, शलभमणि त्रिपाठी जी सुन लीजिए, शलभमणि त्रिपाठी उनका नाम अतुल सक्सेना है। अतुल सक्सेना रुक जाइए, शलभमणि त्रिपाठी वर्सेज अतुल सक्सेना। शलभमणि त्रिपाठी जी, दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्या है। दिक्कत यह है कि अब योगी आदित्यनाथ के राज में, जिनको ये अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित कर रहे हैं, इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने, जो क्रिमिनल्स है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, कह दिया बेल नहीं चाहिए हमें जेल में रहना। ऐसा माहौल बना है, डर का माहौल बना है गुंडों में कि वो बेल कैंसिल करके जेल में रहना पसंद कर रहे हैं। पर क्योंकि अब एक सेकंड, आजम खान, भू माफिया, गायत्री प्रजापति, अखिलेश यादव पे किस तरीके के अपराध के मामले चल रहे हैं आप देख ही सकते हैं। ये बसपा वाले भी कम नहीं, उनके पार्टी में भी अतुल राय जैसे महान लोग हैं। तो क्या ये गुंडों के संरक्षण के लिए, क्योंकि देखिए डीजीपी साहब ने क्या कहा, ऐसे ही कोई गोली नहीं चलाता किसी पे, मतलब उसका इतिहास देखना होगा। मैं जवाब दूंगी आपको शलभमणि जी के बाद। आपने बहुत ही इनकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। जब अपराधियों, ऐसे ही कोई गोली नहीं चलाता किसी पे, मतलब उसका इतिहास देखना होगा। मैं जवाब दूंगी आपको शलभमणि जी के बाद। आपने बहुत ही इनकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। जब अपराधियों खिलाफ कार्रवाई होती है, जब गुंडों खिलाफ कार्रवाई होती है, तो बसपा और सपा के लोग जैसे देखिए कलप रहे हैं ना, ये विलाप कर रहे हैं, ऐसे ही विलाप करते हैं। क्योंकि मायावती जी ने इनके खिलाफ नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। तो मायावती जी तो इनके पूरी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहती थी। और बाद में जब इन्होंने सीएमओ के मर्डर कराया, बसपा सरकार में इनके विधायक ने इंजीनियर को पीट पीट के इसलिए मार दिया कि उसने बहन जी के जन्मदिन पर चंदा नहीं दिया। इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में उन्नाव के रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नालायक है, कहा कि पुलिस नालायक है, इसीलिए पीड़िता पक्ष को दूसरी सीआरपीएफ बिठाई गई। तो ये आपका चार चक्र चेहरा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी देखा कि कैसे धर्मवीर जी आराम से, धर्मवीर जी सवाल, धर्मवीर जी
धर्मवीर जी सवाल जी, मैं आपका और समाजवादी का अभी फिलहाल में तो जैसे फेसबुक पे होता है ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है ना, रिलेशनशिप पे तो नहीं है ना आप लोग, मतलब आप लोगों का गठबंधन है या नहीं है अभी? नहीं नहीं कोई गठबंधन, मतलब सत्य बोल सकते हैं आप, बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 2013 में बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसमें मतलब पूरी तरह से सारे गुंडे भरे हुए हैं और ये गुंडों की सरकार है, ये कहा था उन्होंने? शहजाद भाई अभी डीजीपी साहब क्या कह रहे थे कि ऐसे ही कोई गोली नहीं मारता है। सर सर एक मिनट आगे छोड़ दीजिए, एक मिनट इनकी धर्मवीर जी, मैं बहन मायावती आपकी आपकी सबसे बड़ी नेता की बात कर रहा हूँ। सर एक सेकंड, धर्मवीर जी सवाल सुनिए, देश तोड़ने वाले लोग हैं से कुछ नहीं, कश्मीर में जो है से कुछ नहीं, महबूबा मुफ्ती की गोद में बैठे नहीं बैठे थे, क्या हो गया आपको पता है? 370 हट गया सर, तिहाई में धंधे को जलाने का काम करते हैं शिवम महबूबा मुफ्ती की गोद में, अब इनकी सेवा में आ गया धर्मवीर जी खराब हो गई सर। आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आप कश्मीर आता है कर रहे हैं ऐसा ऐसा। सुनिए, क्या बहन मायावती ने, क्योंकि क्या हुआ, एमएचए तब किस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, चिदंबरम जी जो आजकल तिहार में वो थे एमएचए होम अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी एक रिपोर्ट आई कि अखिलेश राज में क्राइम 50% बढ़ा है, उसको देखते हुए बहन मायावती ने, आपको शायद आपकी याद, आप 2013 के बाद तो नहीं है ना पार्टी में, पहले से 20 साल से हूं, बहन मायावती की बाइट सुना दीजिए धर्मवीर जी को ताकि वो हमें बता सके कि ये बाइट सच्ची है या झूठी है, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कसीदे पढ़े थे वो जरा सुना दीजिए धर्मवीर जी को। चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम है पर मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं। वो कह रही थी, उन्होंने कहा कि ये गुंडों की सरकार है, गुंडों को संरक्षण मिलता है, इसीलिए क्राइम उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज में बढ़ा है। अब मेरा सवाल, सवाल सुन लीजिए बीजेपी क्या समाजवादी पार्टी बैठे हुए हैं, क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के कसीदे पढ़ने के लिए बुलाई गई है? मैं राइट का साइड लेता हूं, मैं राइट की सरकार में डबल इंजन की सरकार में सवाल कौन सुरक्षित है? देखिए सुरक्षित है राज में पूरा हुआ है, क्या जो है राज में पूरा हुआ है 2012 से 2017 के बीच में सुरक्षित बड़ा है? अब देखिए प्रदेश में, अब प्रदेश में पुलिस ब्यूरो की रिपोर्ट लेनी है। चलिए नेशनल है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों से, शिवम मैं आपको लाता हूं डिबेट में, आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की, चलिए बहुत अच्छी बात की, जब अखिलेश यादव सरकार छोड़ के गए तो रेप के केस 2017 में 2016 थे, आज 2019 में 1224, मतलब गिरा है। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन गलत है आपके पास, चलिए इन्फॉर्मेशन गलत है आपसे, सरकार में हर किसी को झूठा नहीं बना रहे, सरकार में 2012 से 2017 के बीच में एक एक बड़ी थी सरकार, मान लेते हैं मान लेते हैं यादव थे 2004 में पुलिस 2004 में पुलिस सुरक्षित नहीं है, मोहन सिंह के पूरे देश में लोग मारे जा रहे हैं और आप यहाँ पर बीजेपी के आवाज नहीं जाएगी। शिवम एक मिनट, किसी की आवाज इस तरीके से नहीं जाएगी। अतुल मैं आपके पास आ रहा हूँ, अतुल मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि देखिए अब क्या है कि इनके कोई मंत्री कोई किताबें नहीं चुरा रहा अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, पर यहाँ पे यूपी का इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसके अंदर मुझे जो बताया गया कि 4 लाख करोड़ का निवेश हुआ, अगर क्राइम व्यवस्था आपकी जितनी सरकार में बुरी होती तो इतना निवेश नहीं होता, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। अब मैंने आपको बताया सुनिए भाई कि बसपा भी कैसी थी आपके बारे में कि आप संरक्षण देते, क्या को कहिएगा कि बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी है नहीं,
लोग परेशान है, आप दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट आएंगे, इन्वेस्टमेंट सबमिट कर देंगे, शलभ मणि त्रिपाठी और एक बार आपने बहुत डिबेट करी है, 2017 में जवाब दिया जनता ने, 2019 से पहले भी आपने बहुत डिबेट करी थी उसके ऊपर, आप भी जवाब अभी जो वोटिंग चल रही है, देखिए फैसला मैं नहीं करता, हम वो शो नहीं है जहाँ पे एंकर बैठ के फैसला, शहजाद भाई एक मैं अपनी बात बता दूं, यहाँ पे एंकर जो है वो भूमिका में नहीं है, यहाँ पे जनता मालिक है, 72% लोग कह रहे हैं कि देखिए ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है ना, ये दरअसल योगी आदित्यनाथ के मिशन क्लीन पर आप निशाना साधना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एके जैन साहब देश की जनता कौन सा क्लीन, सर एके जैन क्लीन, अच्छा ठीक आप बताइए कौन सा, एके जैन साहब और शलभ मणि त्रिपाठी, एके जैन साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हर एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताकर आप उस पर राजनीति करेंगे, ऐसा होगा क्या सर? ये बताइए एक सेकेंड, आप ये बताइए आप कैसे कहते हैं इतिहास फेक एनकाउंटर, आप बताइए पुष्पेंद्र एके जैन साहब से सवाल है, एके जैन साहब मैं हर एनकाउंटर एक एनकाउंटर बताकर क्या लोगों को संरक्षण देने का काम कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, सिर्फ एके जैन साहब की आवाज यहाँ पे आवाज काट दीजिए, एके जैन साहब ये आपसी विरोधाभास, अतुल सक्सेना की आवाज काट दीजिए, लगातार बोल रहे हैं, एके जैन साहब से सवाल है, एके जैन साहब को स्क्रीन पर रखिए, एके जैन साहब हर मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ बताकर क्या गुंडों को संरक्षण देने का काम विपक्ष कर रहा है? आपकी आवाज नहीं जा रही जी, देखिए एके जैन साहब, सिर्फ एके जैन साहब की आवाज जा रही है, मैंने जैसे पहले ही कहा आपकी आवाज नहीं जा रही कि राजनीति जो है ये ऐसे प्रकरणों में हमेशा से होती आई है, पर मैं इसको प्रदेश के हित में नहीं मानता हूं, मेरा ये कहना है कि हर चीज का एक बहुत ही ऐसा पर्सपेक्टिव लिया जाना चाहिए जिसमें कि सारे पहलू कवर हों। इसमें देखिए हर मुठभेड़ जो भी अपराधी मारा जाता है या जो भी कथित अपराधी मारा जाता है एनएचआरसी से लेकर सबको इसके बारे में रिपोर्ट्स जाती है, सभी इसका संज्ञान लेते हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें ऑर्डर हुई है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, इसमें ये भी देखा जा ये इसमें ये भी उसके सीने पे गोली क्यों नहीं लगती, ये इसमें ये भी चलाई हुई गोली अपराधी के पैर के नीचे जा रहा होगा लगती है उसके सीने पे क्यों नहीं लगती। सर आप एक सेकंड, आप उस डीजीपी से सवाल पूछे जिनको डीजीपी शायद अखिलेश यादव जी की सरकार में बनाया गया था, आप उन पे भी अब सवाल उठाएंगे सर? मैं तो मेरा क्वेश्चन सीधा था, रिलेशनशिप तोड़ दिया तो मतलब आप सब मेरा जो देश के लिए उन्होंने सेवा की उस पे भी सवाल उठाएंगे? पैर में ही गोली क्यों लगती है उसके सीने पे? चलिए एक जैन साहब, बात ये जैसे शलभ मणि त्रिपाठी के एनएचआरसी की रिपोर्ट, शलभ मणि त्रिपाठी शहजाद भाई अभी डीजीपी साहब ने कहा एनएचआरसी राष्ट्रीय मुद्दा उठाती है, एनएचआरसी द्वारा पुलिस जो है 9-10 नोटिस योगी गवर्नमेंट को, इंस्पेक्टर जो है एनएचआरसी गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, एक एक करके सर एक एक करके गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, शलभ मणि त्रिपाठी रिश्वत में ठीक है, शलभ मणि त्रिपाठी अखिलेश यादव वन लाइनर अच्छे वन लाइनर देते हैं, वो वैसे उनको वन लाइनर मायावती का पसंद नहीं आएगा पर वो खुद अच्छे वन लाइनर देते हैं, उन्होंने कहा कि राम राज्य के बदले नत्थु राज्य आ चुका है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो इनको नत्थुराम गोड से हर जगह क्यों दिखते हैं, और दूसरी बात अगर ये नत्थु राज है तो जब सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में 10 साल में अगर हुए तो अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे 3050 रेप एक साल में, तो उसको रेप राज कितने हुए या मायावती ने गवर्नमेंट में कितने हुए? आप बार बार इस चीज को कह रहे हैं, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, आप शलभ मणि त्रिपाठी आपके पास आंकड़े सही नहीं है, क्या रेप राज वाले दूसरों को नत्थु राज के बारे में बता रहे हैं? शांत कराएंगे तो बात आ पाएगी जी। शलभ मणि त्रिपाठी आप बोलिए, रेप राज वाले नत्थु राज बता रहे हैं? देखिए आपने सुना होगा कि जो आपने कभी सुना होगा शहजाद भाई की राजा की जान तोते में बसती है, तो ये वो लोग हैं जो राजा हैं और तोते इनके अपराधी हैं, जब अपराधियों पे नकेल कसी जाती है तो धर्मवीर भाई ऐसे विलाप करते हैं, स्वामी जी पार्टी के लोग ऐसे विलाप करते हैं, इनका इतिहास इनको तालियां हुए विरोधियों कभी समाजवादी पार्टी में पलते हैं, बहुजन समाज पार्टी में पलते हैं, तो जब जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है
जब जब गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को बसपा को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है। एक आम व्यक्ति मारा जाए उसके पक्ष में खड़े नहीं होते, कोई पुलिस वाला मारा जाएगा उसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, लेकिन अपराधी जहां भी मारा जाएगा उसके पक्ष में जरूर खड़े होंगे। ठीक है धर्मवीर जी, एक तो आप पहले अभी तक तो यूपी पुलिस के मनोबल पर हमला कर रहे थे, अब सीबीआई पर आ गए। वैसे सीबीआई की जांच आप लोग हर दूसरे दिन मांगते हैं, तो सीबीआई इतनी बुरी है तो जांच क्यों मांगते हैं? पर वो सवाल ये है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार जब से आई है, तो उसके चार महीने में, पहले चार महीने में 40% रेप का इजाफा हुआ। आप वहां पे शायद सरकार को समर्थन भी दे रहे थे, आप सिर्फ चश्मे लगा के जो कानून व्यवस्था के बारे में बोलते हैं, राष्ट्र हित में बोलते हैं या राजनीति करने के लिए? अलवर के केस में जब वहां मध्यप्रदेश में सरकार साथ में बनाई और हुई है, वहां पर भी जगह पे समर्थन दिया हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी ने अल्टीमेटम दिया। अच्छा। और ये देश अल्टीमेटम, ये देश जो है कांग्रेस अल्टीमेटम दिया, भी जो बोल रहे हैं अल्टीमेटम दिया, लेकर लीजिए ना समर्थन वापस, ये पूरी मध्यप्रदेश समर्थन वापस अगर आपको अल्टीमेटम दिया है। आप कभी भी बात नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है गुंडा राज है प्रदेश में तो 2019 में इतनी सीटें आती क्या भारतीय जनता पार्टी? अल्टीमेटम दिया ना सर आपने? हाँ अल्टीमेटम दिया। अगर अगर वो सुन लीजिए तो तुरंत सरकार से समर्थन, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप ही को 30 सेकंड दे रहा हूँ। आप मुझे मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, मैं बार बार उस पर आऊंगा क्योंकि उसको कोई उठा नहीं रहा देश में। मुर्शिदाबाद में घटना हुई, ममता दीदी जिनको जिनके साथ आप लोग पूरा चिंतन कर रहे थे कि महागठबंधन बनाएंगे देश में से हम मोदी को निकालेंगे, उनके स्टेट में लगातार लोगों को मारा जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से आरएसएस से हैं या जय श्री राम बोलने के लिए मारा जा रहा है। आप मुझे बहन मायावती का अल्टीमेटम 30 सेकंड में दिखा दीजिए। ममता बनर्जी अल्टीमेटम है, आप देखिए दिखाई देखिए कहां है बहुजन समाज पार्टी? शलभमणि अल्टीमेटम देखा आपने? गरीब के साथ है, उस पीड़ित के साथ है। बंगाल में गरीब नहीं मारे, पीड़ित के साथ नहीं है, गरीब किसी पीड़ित के साथ नहीं है। आपकी सिर्फ हालात सबसे ज्यादा प्रदेश में खराब है और जगह जगह अलग अलग जगहों पे आपको कांग्रेस आपने तो टीएमसी के साथ गठबंधन की कोशिश की लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। धनवीर जी ने एक बात महत्वपूर्ण की है, उन्होंने कहा कि बहन मायावती गरीब और पीड़ित के साथ है और मैं मानता हूँ वो गरीब और पीड़ित के साथ है, पर मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ अखलाक गरीब और पीड़ित है, तबरेज गरीब और पीड़ित है, पुष्पेंद्र यादव वोट बैंक का है तो फिर वो भी गरीब और पीड़ित है, पर ये बोंधू गोपाल पाल, बोंधू प्रकाश पाल की क्या गलती थी सर? ये जो मारा गया उसकी बीवी बच्चे मारे गए, ये कौन से वोट बैंक में फिट नहीं हो रहा था सर, इसलिए मायावती ने अल्टीमेटम नहीं, नहीं। देखिए आप समझ नहीं पा रहे हो सर, मैं आप नहीं समझ पा रहे हैं। पूरी तौर पर वोट बैंक की सियासत करते हैं और आप जातीय धर्म की सियासत करते हैं और पार्टी की सियासत करते हैं। हुई धर्म में और आप जाति धर्म पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप जो है जाति धर्म पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। पूरे बताइए आपके आने वाले राष्ट्र है कौन है, जाति धर्म से अलग है क्या? उसका बताइए आप डिफरेंस बारे में बात जाति बात यही जो आप पार्टी का बात है, चाहे आप अपने बाबा आप तो सकते हैं अलग बात है कि आप नाम चाहते हैं आपको ऐसा जो है जाति से अलग है अतुल सक्सेना शिवम वोटिंग के नतीजे वोटिंग
इनके नतीजे अतुल बहुत समय से शांत है, अतुल बहुत समय से शांत है, सब जीते हैं लोगों की आंखों में, आपको मतलब भरोसा मुझे जनता की राय बता दीजिए। धर्मवीर जी 10 सीटें मिल गई आपको, साइकिल पे चढ़ के आपको 10 सीटें मिल गई, इस बार तो आप समाजवादी को बोलने नहीं देंगे क्या? बिचारों ने आपको वो मदद की, आपको 10 सीटें, मुझे सवाल लेने दीजिए समाजवादी, ठीक है व्यवस्था परिवर्तन की भी सत्ता आ गई, 10 सीटें आ गई तो समाजवादी को 3 तलाक दे दिया आपने, संविधान के साथ। एक सेकंड सर, अभी अब मुझे वोटिंग नतीजे दिखाने दीजिए, 72% लोग मानते हैं कि ये मिशन 3 पर निशाना है, पर समाजवादी पार्टी, अतुल जी आप इतने शांत बैठे अच्छा नहीं लगता। सर मैं आपको सवाल पर सवाल से पहले आप बोल पड़िए, सवाल ये है कि योगी राज नथुराज है, ठीक है, आपके अखिलेश यादव ने कहा है, मुलायम सिंह यादव ने जब 90 में उनकी सरकार थी तो उन्होंने हमारे कार सेवकों को भून दिया और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है मैंने भून दिया, अब ज्यादा आते तो ज्यादा लोगों को भून देता, तो उसको मैं अफजल राज कहूं या औरंगजेब राज कहूं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं शहजाद भाई जी कि जो आपने डिबेट का मुद्दा आज लिया है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कोई भी भ्रामक सूचनाएं हमें दीजिए, नंबर एक, नंबर दो सुनिए, या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। साहब ने भी बताया कि कोई गोली नहीं चलती, इट इज अनजस्टिस। अरे धर्मवीर जी सुन लीजिए मेरी बात भैया, धर्मवीर जी आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे, समाजवादी को तो बोल ही नहीं दे रहे, बताइए आप। अरे शहजाद भाई यदि आप मेरे को बोलने का समय नहीं देंगे तो इट विल बी अनजस्टिस टू मी सर। एक करके हम आपकी बात सुन रहे हैं, पिछले आधे घंटे से जरा हमारे बात क्या कर सकता, ठीक है शिवम अतुल को बोलने दीजिए 20 सेकंड। अतुल जी आपका अफजल राज था, औरंगजेब राज था, मौलाना मुलायम के राज। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पहली चीज तो ये है कि जहां पे भी अन्याय होगा हमारी पार्टी उस अन्याय के साथ खड़ी रहती है, दबे कुचलों शोषितों के साथ खड़ी रहती है। मुर्शिदाबाद सर आपने मेरे को 20 सेकंड दिया, कम से कम वहीं तक मुर्शिदाबाद छोड़कर भी तो लगाएंगे ना, प्लस सेकंड दे दीजिए। अब आपने पुष्पेंद्र के लिए डिबेट का टॉपिक रखा, सर ये बताइए सर डिबेट फिर आप 20 सेकंड नाम से हम लोग राजनीति कानून व्यवस्था के मामलों पर भी सजा नहीं दे पा रहे, मुझे पुलिस के मनोबल पर हम सारे बीजेपी के हमारे लीडर्स को दे दीजिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ डिबेट का मुद्दा आपने पुष्पेंद्र रखा, देखिए पुष्पेंद्र भी जैसे वो प्रतीक है आपकी राजनीति का, जैसे 2.5 साल में जो है बेचारे गरीब शोषित बेगुनाह लोग एनकाउंटर की आड़ लेकर के मारे जा रहे थे, वैसे ही पुष्पेंद्र शहीद हो गया। और आप ये समझ लीजिए कि पुष्पेंद्र के ऊपर आज से पहले 6 अक्टूबर से पहले कोई थाने में कोई FIR नहीं थी, और जब भी कोई एनकाउंटर किया जाता है एनकाउंटर किसका किया जाता है, शिवम एनकाउंटर किसका किया जाता है, एनकाउंटर किसका किया जाता है, इसके अलावा भी केस है, झूठ मत बोलिए, नेशनल टीवी पर झूठ मत बोलिए, और एक बात ये किस तरह से कानून को लाते हैं प्रकाशित समाजवादी पार्टी के अभी ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा गया है, उसमें कितने बेगुनाह लोग मारे गए और क्या जला दिया गया, क्योंकि ऊपर से राज्यपाल का दबाव। जब की मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे अतुल जी और शिवम जी मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, शिवम और अतुल, शिवम और अतुल, शिवम और अतुल जब पीछे आप एनकाउंटर मत शुरू कर दीजिए भाई साहब, अतुल जी आपका एनकाउंटर आप बंद कीजिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। सवाल यही रहेगा कि क्या फर्जी एनकाउंटर के नाम पर क्लीन मिशन, क्लीन यूपी मिशन पर निशाना है, इसके वोटिंग के नतीजे हम शो के एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ ताजा खबरें भी, लौट कर आइए। बड़ी खबर, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में, और देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में वोटिंग के नतीजे क्या बता रहे हैं हमें, देखिए वोटिंग के नतीजे क्लियर है, 91% लोग, 91% जनता ये मानती है कि झांसी एनकाउंटर पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ योगी आदित्यनाथ के मिशन क्लीन को निशाना बनाना है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है तो मैं 10-10 सेकंड सबको दूंगा, अतुल जी आपको पहले, कि क्या हार गए चुनाव तो इसलिए आप जज बन चुके हैं क्या? सर यहाँ फैसले के पहले ही, यहाँ हारने और जीतने का सवाल नहीं है, चुनाव तो हारे ना 3 बार सर, यहाँ देखिए चुनाव ये नहीं कि हम ही हारे हैं,
चुनाव बीजेपी भी हारती है, बीजेपी की कभी दो मेंबर हुआ करते थे एमएलए जो है, और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव हार गए। आगे से सवाल उठाने का बात यहाँ ये है, बात यहाँ ये है, शेजाद भाई यहाँ ये है, 10 सेकंड हो गए सर, आपको मौका देना है, 10 सेकंड, बड़ा सेकंड हो गए सर, मुद्दा है आजकल पुलिस वालों में, आप 2 लाख रुपए दीजिए, किसी का भी एनकाउंटर करा लीजिए, इस चीज पे आपको सोचने की बहुत जरूरत है। पहले ही टिप्पणी कर चाहिए। शलभमणि त्रिपाठी जी आखिरी 10 सेकंड, 14 शलभमणि त्रिपाठी जी आखिरी 10 सेकंड, पब्लिक इनको 14 शलभमणि त्रिपाठी जी आखिरी 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ। क्या सिर्फ धर्म जात देखकर, राजनीतिक सहूलियत देखकर मुद्दों को उठाया जाएगा या मुर्शिदाबाद पे भी आवाज उठेगी? अपराधियों पर गोली चलती है तो सपा और बसपा को तकलीफ होती है, जब अपराधियों पर लाठियां चलती है मुख्यमंत्री अपराधी है आपका, लोग रोते हैं आपका मुख्यमंत्री अपराधी है, होम मिनिस्टर अपराधी है, कितने अपराधी छुपाएंगे, कितने अपराधी छुपाएंगे, आज के लिए व्यापार अपराधी है, होम मिनिस्टर अपराधी है, कितने अपराधी छुपाएंगे, अपने सारे मेहमानों को कहना चाहता हूँ कि आज के लिए राइट एंड रॉन्ग के पास आज इतना ही समय था, पर मैं जाते जाते इतने अपने सारे मेहमानों को कहना चाहता हूँ कि आज के लिए राइट एंड रॉन्ग के पास आज इतना ही समय था, पर मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद जरूर आप सवाल उठा सकते हैं, पर जिस तत्परता से सवाल उठते हैं अखलाक के लिए, तबरेज के लिए और पुष्पेंद्र यादव के लिए, उस तत्परता से मुर्शिदाबाद के पीड़ितों के लिए भी आवाज उठाइए। आज के राइट अराउंड में बस इतना ही था, मैं तमाम हमारे मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरे साथ जुड़े, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कल 4:50 पर, अब 4:55 पर आपको फिर से मिलेंगे एक और सुलगती बहस के साथ राइट अराउंड पर, और इंडिया न्यूज पर बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।